हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सप्रेस स्टडी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। स्टार्ट करते हैं। डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाय द पॉलिनोमियल जी एक्स, फाइंड द क्वोशेंट एंड द रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फ्लॉइंग। हमारे पास हमने हर एक का क्या फाइंड आउट करना है, रिमाइंडर एंड क्वोशेंट। पी एक्स हमारे पास एक पॉलिनोमियल है और एक जी एक्स। पी एक्स को किससे डिवाइड करना है, हमने जी एक्स से। करते हैं स्टार्ट। आपके पास जी एक्स, देखो पहले पी एक्स लिखते हैं। एक्स की पावर 4 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। आपने हमेशा ध्यान रखना बच्चों, इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है। पावर 4 स्क्योर, एक बढ़ती डिजिट में लिखना है। आपने असेंडिंग ऑर्डर समझते हो ना, वो असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि वो नहीं है कि 1 के बाद 2, पावर के ऊपर 4, 2, 1 और कांस्टेंट। क्लियर? ऐसी आपने जी एक्स लिखना है। देखो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्योर, और यहाँ पर क्या है 1, और फिर क्या है एक्स। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले एक्स की पावर 2, फिर एक्स की पावर 1, फिर 1। क्लियर? देखो एक्स का स्क्योर माइनस एक्स प्लस 1, ऐसे लिखने से भी बच्चों हो जाएगा, पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप हमेशा ध्यान रखना कि इसको आप एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखिए। सिस्टमेटिक तरीका क्या है, पहले पावर 2, फिर उससे कम पावर, फिर उससे कम पावर। क्लियर? क्लियर हुआ बच्चों? तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब हम क्या देखते हैं, सबसे पहले एक्स की पावर कितनी है, 4। एक्स की पावर कितनी है, 4, और यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है, 2। कितनी पावर कम है एक्स के पास, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, इक्वल है। यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है, 2, यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है, 4। तो हमें कितनी पावर चाहिए, एक्स की पावर 2 इक्वल करने के लिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर को अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, एक्स की पावर 4, क्योंकि मल्टीप्लाई करते टाइम पावर्स हमेशा आपस में ऐड हो जाती हैं। क्लियर? एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, एक्स की पावर 4। क्लियर है बच्चों इतना? तो आपके पास यहाँ पर कितना है, एक्स की पावर 4, फिर एक्स को एक्स से करेंगे। हमेशा ध्यान रखना, मल्टीप्लाई करते टाइम अगर बेस सेम है तो पावर्स हमेशा ऐड हो जाती हैं। एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, एक्स का क्यूब। क्या यहाँ पर क्यूब है, नहीं, तो इसको हमने ऐसे बाहर लिख दिया, माइनस एक्स क्यूब। क्लियर है बच्चों? फिर एक्स को हमने 1 से किया तो कितना आया, 1 एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? देखो अब ये आपने माइनस, ये प्लस, तो ये माइनस, ये माइनस, तो ये प्लस। क्लियर? एक प्लस का एक माइनस का सेम सेम कैंसिल आउट। देखो अब बड़ी टर्म क्या, एक्स स्क्वायर से पहले क्या आना चाहिए, एक्स क्यूब, तो इस टर्म को पहले लिखो। प्लस का एक्स क्यूब है क्योंकि ये साइन चेंज हो चुकी है, ये साइन चेंज हो चुके हैं। क्लियर? एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस, 3 और 1 कितना हुआ, 4, साइन बड़ी डिजिट का प्लस 4x प्लस में 5। क्लियर है? देखो अब क्या, यहाँ पर x की पावर 3, यहाँ पर कितनी है, x की पावर 2। कितनी कम है, 1, इसका साइन भी ध्यान रखना, ये प्लस है तो ये भी क्या है, प्लस, तो यहाँ पर कितना आएगा, प्लस x। x को करो मल्टीप्लाई। अब ध्यान रखना x को इन 3 डिजिट से ही करना है। देखो इस एक्स स्क्वायर से करेंगे कितना आएगा, एक्स का क्यूब। एक्स को एक्स से करेंगे कितना आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स को एक्स 1 से करेंगे कितना आएगा, एक्स। क्लियर? देखो एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब वाली टर्म, एक्स के नीचे एक्स वाली टर्म। अगर वो नहीं है, जैसे अब यहाँ पर इसमें नहीं था, पी एक्स पॉलिनोमियल में एक्स क्यूब नहीं था, तो इसको बाहर थोड़ा, फिर नेक्स्ट टर्म में, क्योंकि एक्स स्क्वायर से बड़ा एक्स क्यूब है, तो इसको आगे, साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस सेम सेम कैंसिल आउट, माइनस प्लस माइनस, तो कितना आया हमारे पास, ये साइन चेंज हो चुके हैं हमारे पास, कितना आया हमारे पास, माइनस 3x का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 1, 3x का स्क्वायर, क्योंकि माइनस क्यों लगाया, क्योंकि 4 बड़ा है, 4 के आगे साइन कितना है, माइनस का।
प्लस माइनस माइनस प्लस 3x प्लस में 5। क्लियर है बच्चों इतना? देखो अब क्या देखा हमने, एक्स स्क्वायर तो यहाँ है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, क्या नहीं है माइनस 3, तो माइनस 3 लगाया, माइनस 3 को 3 एक्स स्क्वायर से करा तो कितना आया माइनस 3x का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3x प्लस माइनस माइनस 3। क्लियर बच्चों, ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट होगी और ये साइन किसका हो गया प्लस का, क्योंकि ये साइन चेंज हो चुके हैं, तो यहाँ पर कितना आया आपके पास 8। दोबारा रिपीट करते हैं, हमने क्या किया पी एक्स पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड किया, जी एक्स पॉलिनोमियल से, किससे डिवाइड किया जी एक्स पॉलिनोमियल से। तो हमने देखो जी एक्स पॉलिनोमियल को पहले सिस्टम से लिखा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 रूट के अंदर, रूट नहीं है सॉरी ये डिवाइड का सिंबल है, ये डिवाइड किया हमने एक्स की पावर 4 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। हमने क्या देखना है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म इसकी उठाई, x की पावर 4 थी और इसकी कितनी थी x का स्क्वायर, तो हमने क्या किया बच्चों x का स्क्वायर लिखा यहाँ पर और माइनस x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किया x की पावर 4 माइनस x का स्क्वायर प्लस 1x। क्लियर, हमारे पास एक्स क्यूब नहीं था तो हमने इसको इन टर्म से बाहर लिखा। नेक्स्ट स्टेप में जब हमने इसको सॉल्व किया तो एक्स क्यूब को आगे, क्योंकि एक्स क्यूब किससे बड़ा है एक्स स्क्वायर से, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। अगर पहले आपने एक्स स्क्वायर लिखा और बाद में एक्स क्यूब लिखा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि आप किसके मुताबिक लोगे एक्स स्क्वायर के मुताबिक यहाँ पर लोगे डिजिट मल्टीप्लाई की। क्लियर, इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि बड़ी डिजिट को पहले लिखो फिर छोटी को लिखो। क्लियर, तो हमने एक्स क्यूब लिखा, एक्स क्यूब से क्या करना है मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर को कि एक्स क्यूब बन जाए, किससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से। क्लियर, एक्स से मल्टीप्लाई किया और फिर सॉल्व किया, फिर हमने क्या करा माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया और फिर सॉल्व किया, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों, रिमाइंडर हमारे पास कितना आया, रिमाइंडर हमारे पास 8 आया और क्वेश्चन कितना आया हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। ये था बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट।